दूसरा ये कि ये जो तीन दिन का फेस्टिवल है ये सिर्फ तीन दिन तक नहीं होता इससे पहले इसमें जैसे अभी आपने बात की तो मैं आपको अपनी टीम के बारे में भी बताना चाहूंगी कि टी जो ऑर्गेनाइजर है और पॉजिटिव इंटरनेशनल हम एक ऑफिस टीम तो है मगर उसी के साथ साथ हम इस इवेंट के लिए जो वॉल्टियर्स सैफुल्ला साहब को भी पता है जो हम वॉल्टियर्स हायर करते हैं वो हम कोर सिंधी बच्चों को हायर करते हैं आपको पता है कि फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी में बहुत सारे सिंधी बच्चे आके पढ़ते हैं और वो हॉस्टल में रह रहे होते हैं हमारी कोई पचास से सौ लड़के लड़कियों की टीम होती है और वो वो सारे कोर सिंधी होते हैं जो कि अंदरूनी सिंध से कराची आके पढ़ते हैं जब और जब साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेके अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे होते तो हमारी उसमें मेन कोशिश कोशिश सैफुल्ला साहब साहब की भी हमारी भी हमारी अहमद ये कोशिश होती है कि हम उन सिंधी बच्चों को फ्रंट रखें हाँ। वो इसके ऑर्गेनाइजर हो और उनको वो कॉन्फिडेंस मिले कि कराची में आके वो एक बहुत बड़े प्रोग्राम का ना सिर्फ हिस्सा हैं बल्कि अंदरून सिंह से आने वाले मेहमानों को होस्ट भी करें मैं आपको बताऊं इतने टैलेंटेड बच्चे ना हमारे पास कि शायद मेरी अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है बींग ऑर्गेनाइजर वो एक साइड पे हो जाती हैं जब वो लोग फ्रंट पर आते हैं जब वो डील कर रहे होते हैं <laughs> और माशाल्लाह आपने देखा है हम सब इस बात की गवाह हैं कि हमारे इदारों में जो लोग बैठे हुए हैं आवाज़ टीवी की बात की जाए मीडिया से हट के ब्यूरोसी hmm. की बात की जाए तो सिंधी स्पीकर ही हैं वो सारे उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपना सफर शुरू किया था और आज माशा अपने टॉप पोजिशन पर बैठे हुए हैं तो जिनके लिए आपने बात की कि अगर वो किसी को नीचा दिखाते हैं या कोई भी बच्चे अगर मुझे सुन रहे हैं ऐसी फैमिलीज मुझे सुन रही हैं कि कहीं ना कहीं अगर आपको को, किसी बैरियर का सामना हुआ है तो उसको तोड़ें आगे निकलें क्योंकि में दब जाएंगे, आपको दबाया, आप रुक गए, एक नहीं बल्कि वो आपका स्टेप है कि आप उसको स्टोन को जमा करके उस पर चढ़ के आप आगे निकल जाएं और हमारी भी कोशिश बींग डी कल्चर डे फैमिली फेस्टिवल टीम यही है कि हम इन बैरियर्स को हटाएं आप जब आएंगे इनशाला वहां पे तो आप देखेंगे आवाज टीवी भी उसको कवर करेगा कि वहाँ लोग आपस में बड़ा मिलजुल रहे होते हैं और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कराची के लिए भी और सिंध के लिए भी फिर मैं कहूंगी कि हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज है सबसे बहुत मोहब्बत करते हैं हाँ. और एक दूसरे के लिए काम करते हैं और इन ये तीन दिन का फेस्टिवल जैसे पिछले दो साल से हो रहा है बढ़ चढ़ के हो रहा है हर बार लोग आते हैं कराची के लोग को वेलकम करते हैं तो इस बार भी ऐसे ही होगा इन शाह इनशाला ज़रूर ऐसा होगा क्योंकि हम सब इस फेस्टिवल से जुड़ रहे हैं और आ, और फिर अगर हम ना भी जुड़ना चाहें ना मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा को, कुछ ऐसे अनमोल हमारे पास नमूने कभी कभार ऐसे भी हो जाते हैं तो कोई ना भी जुड़ना चाहे तो हम अपने कल्चर से तो जुड़ ही रहें हम अगर फेस्टिवल से नहीं जुड़ रहे तो हम अपने कल्चर से तो जुड़ ही रहे किसी ना किसी तरह से थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे साथ होने का अपने नाजरन की बधाई दी हालाँ अभी का इनशाला ट्रिन जो यो सिलसिलो